हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक हमारा ओवेरियन कैंसर। पहले हम बात कर लें क्लासिफिकेशन की। जैसे सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर कौन से हैं? सीरस ट्यूमर, म्यूसिनस ट्यूमर, क्लियर सेल ट्यूमर, एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर और वेरनट्स ट्यूमर। और जर्म सेल ट्यूमर कौन से हैं? डिसजर्मिनोमा, कोरियोकार्सिनोमा, टेरेटोमा, एम्ब्रियोनल सेल ट्यूमर, योक सेल ट्यूमर। सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर कौन से हैं? ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर, लेटिक सेल ट्यूमर, फाइब्रोमा, थीकोमा। और मेटास्टेसिस क्रुकनबर्ग ट्यूमर। अब हम बात करने अपने पहले एपिथेलियल ट्यूमर के बारे में। एपिथेलियल ट्यूमर में क्या आता है? सीरस और म्यूसिनस। सीरस इज अ मोस्ट कॉमन और म्यूसिनस इज अ लीस्ट कॉमन। सीरस इज बाइलेटरल, म्यूसिनस इज अ यूनिलेटरल। रिस्क फैक्टर इज अ सीरस का फैमिली हिस्ट्री या फिर मल्टीपेरिटी और म्यूसिनस का स्मोकिंग। और जेनेटिक डिफेक्ट की बात करें तो VRCA1 और VRCA2, P53 और म्यूसिनस का KRAS। अब हम बात कर लें ग्रॉसली अपीयरेंस के बारे में तो सीरस इज अ यूनिलोक्यूल्ड और म्यूसिनस इज अ मल्टीलोक्यूल्ड। हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो सीरस इज अ सीरस सीरेटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल इज प्रेजेंट और म्यूसिनस में टॉल कॉलमनर नॉन सीरेटेड विद म्यूसिन। ये हिस्टोपैथोलॉजी है। सीरस एडिनोमा कार्सिनोमा ऑफ ओवरी, इसमें मिलेगा सोनोमा बॉडीज। और सोनोमा बॉडीज किसमें मिलेगी? मिलेगी आपको पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायरॉइड, पेपिलरी रीनल कार्सिनोमा, सीरस सिस्ट एडिनोमा कार्सिनोमा ऑफ ओवरी, प्रोडक्टिनोमा और बेनिजियोमा में। ये हिस्टोपैथोलॉजी है। इसमें हमको दिख रहे हैं ये नेस्ट ऑफ सेल। ये हिस्टोपैथोलॉजी किसकी है? ये वेरनट्स ट्यूमर की। तो अब बात करें वेरनट्स में हमें मिलेगा, जैसे मैंने बताया था आपको, ये नेस्ट टाइप का मिलेगा। नेस्ट बोले तो नेस्ट ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियल ऑफ ब्लैडर। और मिलेगा हमें फाइब्रस स्ट्रोमा और सेल कैसे होंगे? कॉफी बीन न्यूक्लियाई शेप, कॉफी बीन न्यूक्लियाई सेल मिलेंगे। अब हम बात कर लें जर्म सेल ट्यूमर के बारे में। इसमें हमें सेप्टम मिल रहा है और ये फॉलिकल्स टाइप के में सेल मिल रहे हैं। तो देखते हैं ये हिस्टोपैथोलॉजी है डिसजर्मिनोमा की। अब हम बात करें इसमें मिलेंगे हमें, मैंने बताया था इसमें मिलेगा सेप्टा और जाइंट सेल इन्फ्लेट विद लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल जो डिवाइडेड होगा फाइब्रस सेप्टा से। और सेल की बात करें तो लार्ज पॉलीगोनल सेल मिलेंगे विद सेंट्रल न्यूक्लियाई। तो डिसजर्मिनोमा हमें मोस्टली एडल्ट पीपल में मिलेगा। और मार्कर की बात करें तो PLA-P पॉजिटिव, OCT3 या फिर 4, OCT3 या फिर OCT4 और SCG पॉजिटिव और नया वाला मार्कर NANOG पॉजिटिव। कभी भी ये अल्फा फीटोप्रोटीन पॉजिटिव नहीं होगा। बात कर लें इस हिस्टोपैथोलॉजी है। इसमें हमें यहाँ पर हेमरेज मिल रहा है लाल लाल सा और हमें यहाँ पर कोई सेल मिल रहे हैं और यहाँ पर भी एक सेल मिल रहे हैं। तो ये हिस्टोपैथोलॉजी है कोरियोकार्सिनोमा की। अब बात करते हैं कोरियोकार्सिनोमा में क्या मिलता है। कोरियोकार्सिनोमा मिलेगा हमें सिस्टोट्रोफोब्लास्ट, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट और हेमरेज, मतलब ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। कोरियोकार्सिनोमा मोस्टली सीन इन एल्डरली पीपल। डिसजर्मिनोमा मिलेगा हमें एडल्ट पीपल में और कोरियोकार्सिनोमा मिलेगा हमें एडल्ट पीपल में। और मेटास्टेसिस टू लंग, जैसे बोलेंगे कैनल वॉल मेटास्टेसिस। और मार्कर की वाले तो SCG पॉजिटिव। अब इस इमेज की बात कर लें, इसमें हमें ये ब्लड टाइप का सेल मिल रहा है, इसकी बीच में पिंक पिंक सा है, बीच में पिंक है फिर सेल है, बीच में पिंक है फिर सेल है, फिर थोड़ा सा स्पेस है फिर सेल है। तो ये हिस्टोपैथोलॉजी है योक सेल ट्यूमर की या फिर इसको बोलेंगे एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। इसमें हमें क्या मिल रहा है? इसमें मिला हमें सोलर डुअल बॉडीज या फिर ग्लोमेरुलॉइड बॉडी, सोलर्स बॉडी या फिर ग्लोमेरुलॉइड बॉडी। इसमें दिख रहा है बच्चों में, चिल्ड्रन में। और मार्कर की बात कर लें तो अल्फा फीटो प्रोटीन पॉजिटिव या फिर अल्फा 180 पॉजिटिव। और हमें बताएं योक सेल में क्या मिलता था हमको? ग्लोमेरुलॉइड। और कहाँ मिलेगा? योक सेल ट्यूमर में और हमें ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में मिलेगा हमें GBM। अब हम इस इमेज की बात कर लें, इसमें हमें हेयर हेयर से दिख रहे हैं
और इसमें हमें मल्टीपल सेल मिल रहे हैं, ये एक सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, तो ऐसा बोलेंगे टेराटोमा, टेराटोमा बोलेंगे, या फिर डर्मोइड सिस्ट। तो इसमें हमें मल्टीपल सेल मिलते हैं, जैसे ग्लैंडुलर टिश्यू मिलेंगे, कार्टिलेज टिश्यू मिलेंगे, मेसेनकाइमल सेल टिश्यू मिलेंगे, एयर सैक मिलेगा। टेराटोमा ट्राइड होगा ऑल थ्री जंग लेयर से, इसमें होंगे डिफरेंट लेयर ऑफ टिश्यूज। अब हम बात कर लें सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर में, तो इसमें हम बात कर लें स्टोपैथोलॉजी में हमें मिला है, मिडल में मिला है हमें कुछ पिंक पिंक सा मटेरियल, उसके आसपास मिला है हमें सेल्स। तो इसको बोलेंगे हमें ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर। तो हिस्टोपैथोलॉजी है ये ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर की। तो ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर में हमें क्या मिलेगा, कॉल एक्सनर बॉडीज। तो ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर में हमें मिलेगा कॉल एक्सनर बॉडीज, जो सेंट्रल में पिंक होगा। इसके सेल बोलेंगे तो कॉफी बीन न्यूक्लिया मिलेंगे, कॉफी बीन न्यूक्लिया। और हमें कहाँ मिलेगा, हमें मिलेगा पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायरॉइड में, या फिर लैंगर सेल्स, या फिर लैंगर सेल सिस्टोसाइटोसिस में, या फिर वेनस ट्यूमर में, या फिर कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, या फिर ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर। ये दोनों ओपनी के हो गए। बात कर लें इस हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में, इस हिस्टोपैथोलॉजी में हमें कुछ क्रिस्टल मिल रहे हैं जिसे बोलेंगे रिंकी क्रिस्टल। और ये किसमें मिलता है, ये मिलता है लेटिक सेल ट्यूमर में। अब हम बात कर लें, ये हमारी ओवरी हो गई, ये तो बाइलेटरल ओवरी मास है जो सिमेट्रिकल एनलार्ज है, इसे जिसमें डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर टू मेटास्टेसिस टू ओवरी, जिसे बोलेंगे क्रुकनबर्ग ट्यूमर। क्रुकनबर्ग ट्यूमर में हमें सिग्नेट्रिन सेल मिलेंगे, जैसे कि सेल के एक तरफ हमारा न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लें अपने, अब मैंने आपके लिए एक टेबल सी बनाई है जिसमें ट्यूमर मार्कर हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हिस्टोपैथोलॉजिकल है और मार्कर हैं। सबसे पहले बात कर लें हमें एपिथेलियल ट्यूमर में, सबसे पहले बात करें सबसे पहले बात कर लें एपिथेलियल ट्यूमर के बारे में। तो हमारे इसमें सीरियस एपिथेलियल ट्यूमर के बारे में, इसमें हिस्टोपैथोलॉजी मिलेगा हमें सेल विद सीरिया या फिर स्वेनोमा बॉडीज, और मार्कर CA125 पॉजिटिव, और वेनस ट्यूमर में ट्रांजिशनल एपिथेलियल। अब बात कर लें हमारे जर्म सेल ट्यूमर के बारे में, जिसमें पहला योक्सैक, योक्सैक में क्या मिलेगा, सेलहर्स ड्यूअल बॉडीज और मार्कर अल्फा फीटोप्रोटीन पॉजिटिव या फिर अल्फा 180 से पॉजिटिव। अब बात कर लें डिस्ट्रिमिनोमा में क्या मिलेगा, पैथोलॉजी में क्या मिलेगा, सेल्स इन नोड्यूल्स फाइब्रस सेप्टा कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स और ALAP पॉजिटिव, LDH पॉजिटिव, HCG पॉजिटिव और नया वाला NANOG और OCT3 या फिर 4 पॉजिटिव। अब बात कर ले कोरियोकार्सिनोमा के बारे में, तो इसमें तीन चीज, सिस्टोट्रोफोब्लास्ट, सिस्टोट्रोफोब्लास्ट और हेमरेज और नोबलाई और HCG पॉजिटिव। और टेराटोमा की बात करें तो स्किन, बोन, कार्टिलेज, टीथ और हेयर और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। अब बात कर लें एम्यूनल कार्सिनोमा के बारे में, तो इसमें मिलेगा हमें पैरामेटिव सेल्स और नोबलाई। मार्कर की बात करें तो CD30 पॉजिटिव और क्रिएटिन काइनेज पॉजिटिव। अब हम बात कर लें सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर के बारे में, तो इसमें पहला ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर, जिसमें मिलेगा हमें कॉल एक्सनर बॉडीज और कॉफी भी न्यूक्लियाई। और अब बात करें लेडिक सेल ट्यूमर के बारे में, लेडिक सेल ट्यूमर के बारे में, इसमें मिलेगा हमें रिंकी क्रिस्टल। और मेटास्टेसिस की बात करें तो क्रुकनबर्ग ट्यूमर के बारे में, इसमें हमें मिलेगा हिस्टोपैथोलॉजी में सिग्नेट्स रिंग सेल। अब हम बात कर लें स्वेनोमास बॉडी में किसमें मिलेगी, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायरॉइड, पेपिलरी रीनल कार्सिनोमा, सीरस सिस्ट एडिनोमा कार्सिनोमा, मेनिंजियोमा, प्रोलेक्टिनोमा, मेसोथेलियोमा। अब बात कर लें कॉफी बीन्स न्यूक्लिया किसमें मिलेगी हमें, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायरॉइड, लैंगर सेल हिस्टोसाइटोसिस, वेनस ट्यूमर और कॉन्ड्रोब्लास्टोमा और ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर में। तो आज हमने पढ़ा था अपना, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, ओवेरियन कैंसर। इसको आप दोबारा देखें, रिवाइज करें, मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू डॉक्टर्स।